प्लास्टर करने के औजार और उपकरण। फिनिशिंग करनी, यह प्लास्टर लगाने, फैलाने और चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आयताकार उपकरण होता है। इसमें ज्यादातर एल्यूमीनियम या स्टील का ब्लेड और एक धातु या प्लास्टिक का हैंडल होता है। एक फिनिशिंग करनी की मानक चौड़ाई 10 इंच होती है, जबकि इसकी लंबाई 30 से 50 इंच के बीच भिन्न भिन्न हो सकती है। यह छोटी सतहों की फिनिशिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोनों में प्लास्टर करने वाली करनी, यह दो तरफा चाकू होती है। यह आपको एक ही समय में कोनों के दोनों तरफ चलने की अनुमति देता है। प्लास्टर करने वाली करनी, यह अंदर के कोनों पर प्लास्टर सतहों के परिष्करण फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण होता है। यह प्लास्टर और स्क्रैप करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह नुकसान की मरम्मत भी करता है। प्लास्टर हॉक, यह वर्गाकार हल्का उपकरण होता है, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर केंद्रीय हैंडल लगा होता है। यह प्लास्टर करते समय इस्तेमाल किया जाता है। इसे आमतौर पर एक दीवार में प्लास्टर की एक चिकनी फिनिश लगाने के लिए एक परिष्करण फिनिशिंग करनी के साथ प्रयोग किया जाता है। इसे गारे को मोटर बोर्ड से उपयोग की जगह पर ले जाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक हॉक लगभग 10 से 14 इंच का होता है। प्लास्टर फ्लोट या फ्लोटिंग रूल, यह फ्लोट प्लास्टर करते समय खाली जगहों और गड्ढों को भरने, साथ ही साथ पिछले कार्यों की वजह से पैदा हुए उभारों को समतल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अन्य सपाट उपकरण है। इसके अतिरिक्त यह सतह को एक बनावट प्रदान करने में मदद करता है। कुछ आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले फ्लोट में लकड़ी का फ्लोट, कोणदार फ्लोट और स्पंज फ्लोट शामिल हैं। फेदर एच, यह छड़ की तरह दिखने वाला उपकरण होता है, जो ज्यादातर गीले प्लास्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक लकड़ी या हल्के धातु का ब्लेड होता है, जो 6 इंच चौड़ा और 4 से 8 फुट लंबा होता है। इसका ब्लेड सिरे पर नुकीला होता है और अंदर के कोनों को काटने और बाहर के कोने जहां दीवारें एक दूसरे से मिलती है पर तीखी सीधी लाइनों को आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है।